नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा 5 और 7 नंबर अगर आपके पास है लूसो ग्रिडो ग्रिड में तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है और किस तरह से वह पूरा कार्य करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। देखिए, कोरोना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा केसेस इंडिया में आ रहे हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि घर पे रहें, सैनिटाइजिंग मास्क सब लगाएं और बिल्कुल भी इस चीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि ना तो बहुत ज़्यादा हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं मैं उनकी बात करूँगा, हमारे पास कुछ ज़्यादा साधन जो गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी मेडिकल फील्ड में काफ़ी हद तक पीछे हैं। हालांकि वैक्सीन बन गई है इंडिया में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और सरकारों को बहुत कुछ करना बाकी है। तो मेरी आपसे बहुत ज़्यादा यही अपील रहेगी कि पूरी तरह से सुरक्षित रहें, घर पे रहें और घर में बुजुर्गों और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें और पार्क इत्यादि में ना जाएं। घूमना है तो छत पे घूमें, अगर आपके पास छत है तो, या बालकनी में बैठें। और अगर आपको कहीं पे भी लगे कि कुछ लक्षण आ रहे हैं तो टेस्ट जरूर कराएं और अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। तो ये थी एक मेरी अपील, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को सीरियसली ले रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, 5 और 7 जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट लूसो ग्रिड में होते हैं। 5 सेंटर का नंबर है जो एक तरीके से अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग रहता है। 5 नंबर रूल करता है बुध ग्रह से, वहीं 7 नंबर आपके क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन और मेंटल पीस को दिखाता है और मेटल का है और केतु से रिप्रेजेंट करता है। अगर 3, 5, 7 आपका पूरा होता है तो उसे हम मिडिल रो भी कहते हैं और इमोशनल पेन भी कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट आपकी बॉडी को करता है और इंट्यूशन, फीलिंग्स और इमोशंस को काफ़ी हद तक ये प्लेन जो होता है आपका बताता है। मैं इसके बारे में भी आपको सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर दूंगा। जैसे मैंने कहा कि 5 नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है। 4, 5, 6 को अगर हम देखें तो अगर 4, 6 आपके पास है और 5 आपके पास मिसिंग है तो उस केस में सेविंग्स और बैलेंस नहीं होता। पैसा आता भी है, खर्च भी हो जाता है, सेविंग्स नहीं होती, बैलेंस जो है वो हमारा नहीं हो पाता। तो 5 नंबर अगर आपके पास है तो जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल जो भी होगा जिसके पास ये 5 नंबर होगा वो एक तो फ्रीडम पसंद होगा और चीज़ों को बहुत हाजिर जवाब करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति कई बार देखा जाता है, या व्यक्ति या महिला की जरूरत से ज़्यादा व्यय कर देता है कई बार। अब व्यय जो होता है वो इमोशंस में आके करता है, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके ऊपर कर दिया, कोई कह नहीं रहा है तब भी कर दिया। और ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास 5 नंबर होता है, वैसे कहने को ये बैलेंसिंग का नंबर है, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो होती है अपने जो भी वो काम कर रहे होते हैं उससे वो उतने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं उनको मिलता, इस वजह से दिक्कत होती है। यात्राओं को बहुत शौक होता है ऐसे लोग जिनके पास 5 होगा, और हालांकि यात्राएं का शौक जरूर होता है लेकिन उतनी यात्राएं हो नहीं पाती, बहुत ज़्यादा बिजी नंबर है ये। और ऐसे लोग जिनके पास 5 होते हैं कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और ईमानदारी और एक चरित्र अगर आपको देखना है तो वो 5 नंबर से आपको, अगर किसी के पास 5 नंबर है तो आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति चरित्रवान है, ईमानदार है, और जीवन भर अगर आपका मित्र हो गया तो जीवन भर आपसे मित्रता बना कर रखेंगे। माहौल कैसा भी हो ये लोग कूल रहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़ते हैं, और यात्राएं जब भी होती हैं वो यात्राएं काफ़ी हद तक लाभप्रद भी रहती हैं। मूलतः इनके पास पैसे की स्थिति ठीक ठाक देखी जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिलियनर होंगे या मिलियनर होंगे, लेकिन आपका काम चलता रहेगा ये मैं कह सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क से ज़्यादा ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं इनके पास 5 होता है। मतलब ये फिजिकल काम उतना अच्छे से नहीं करेंगे लेकिन मेंटली तेज होते हैं, बहुत चतुर आप कह सकते हैं उनको। और इनकी विशेषता ये होती है कि एक जहाँ पे भी जाते हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है। और बच्चों के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है और सम्मान पाते हैं समाज में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ इनके लिए रहती है।
और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अपने जो काम होते हैं, जो करंट में ये काम कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा खुश नहीं रहते, कुछ ना कुछ नया करने की, नया नया रिसोर्स लेने की इनकी आदत जो है वो देखने को मिलती है। ये अपने आप को जहाँ भी जाते हैं कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को आगे लेकर भी जाते हैं। जटिल से जटिल कार्य को ये बहुत ही आसानी के साथ कर लेते हैं, जो कि इनके साथ अच्छी चीज रहती है। अब मैं बात करूंगा 7 नंबर की, लेकिन आपसे एक गुजारिश मेरी रहेगी कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, 7 नंबर को अगर हम देखें तो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस है एंड लर्निंग फ्रॉम द डिसअपॉइंटमेंट्स है, लव, इमोशंस, हेल्थ, जिसने जितने भी तरीके के आपके एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, उससे सीखने का नंबर है ये। और इसका अलग अलग जो है वो मीन भी आता है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। ये काफी हद तक जो निश्चय वाले काम होते हैं, जिसमें डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलती है, उसमें अच्छा रहता है। और ये सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, ज्यादा किसी के पछड़े में ये हाथ पटाने वाले लोग नहीं होते, और काफी हद तक ये भावना, गट फीलिंग वाले लोग होते हैं। गट फीलिंग से ये लोग चलने वाले हिसाब किताब से होते हैं। घर के वातावरण को अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको लाइट कैसे करना है, उसके लिए भी कार्य करते हैं। और घिसे पिटे तरीकों से काम करना इन्हें पसंद नहीं होता, अगर साथ आपके पास है। और समझदार किस्म के लोग होते हैं, हालांकि स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार घर में पिता के साथ थोड़ी दिक्कतें आपको आती हैं, और आपकी जो बुद्धि होती है वो बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलती है, और आपका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत अच्छा होता है, और अपनी गलतियों से सीखते हुए आप आगे बढ़ते हैं और हमेशा आगे ऊंचा उठने का प्रयास आपका रहता है। जैसे मैंने आपको 5 नंबर में बताया था कि अगर ये सिचुएशन होती है तो कई बार ये लोग एक चीज से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो इनके साथ भी आपको देखने को प्राप्त होती है। अब अगर 5 एक बार आया है तो केयरिंग होंगे, 5 अगर 2 बार आया है तो परसिस्टेंट होंगे, काफी हद तक अपनी चीजों में परसिस्ट करेंगे जो भी कर रहे हैं, 3 बार आया है डिटरमिंड होंगे, और अगर 3 से ज्यादा बार आ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि कई बार ऐसी जगहों पर जाना पसंद करेंगे जो जहां पर आप जाना बैठना पसंद नहीं करेंगे। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि 1 2 बार या 3 बार 2 बार या 3 बार अगर रिपीट होता है कोई नंबर तो उसके अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा बार रिपीट होता है तो अच्छे बेनिफिट्स उसके नहीं मिलते। उसी तरह से 7 अगर एक बार आ रहा है तो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, 2 बार आ रहा है तो स्पिरिचुअल हो जाएगा बंदा, और 3 बार आ रहा है तो लर्निंग फ्रॉम द लॉसेस हो जाएगा, एंड अगर 4 टाइम आ रहा है साथ तो अच्छा नहीं होगा ज़्यादा, आपको हेल्थ और होम और फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो 5 और 7 वैसे तो बहुत अच्छा है, मैं हमेशा 5 और 7 को ग्रेड करता हूँ, इसलिए क्योंकि आदमी जब अपनी गलतियों से सीखता है तो वो बहुत आगे जाता है और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों का निर्वाह करता है। वही 5 नंबर आपको जीवन में जो एक इम्बैलेंस की सिचुएशंस होती हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प यहाँ पर करता है। अगर 5 आपके पास मिसिंग है तो लूसो ग्रिड में आप एक येलो बल्ब अपने सेंटर रूम में डाल सकते हैं, बुध की पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा भी आप कर सकते हैं, और क्रिस्टल बॉल्स भी आप टांग सकते हैं सेंटर प्लेस में, क्योंकि अर्थ का साइन है। वहीं 7 नंबर अगर आपका है मिसिंग है आपके साथ, तो एक सिल्वर मेटल चेन की रिस्ट वॉच आप ले सकते हैं, और सिल्वर विंड चाइम विद 7 डॉट्स आप वेस्ट डायरेक्शन में डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप विंड चाइम की हम लोग बात करते हैं तो 7 रॉड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 2 रॉड कभी ना लें, 7 रॉड्स का लें, साथ साथ वेस्ट डायरेक्शन में उसे डालें, और वो ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आप जो फड़ पे बिकते हैं या सस्ते बिकते हैं उनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उनसे फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो 5 और 7 को मैंने आज डिफाइन कर दिया आपको, आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मेरी जो अपील थी उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अच्छे रहें, कुशल रहें, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।